नकारा तो नहीं किया गया, मुझे ऐसा है कि जब मैं बीजेपी मुस्लिम राष्ट्र मंच की जब स्थापना हुई 2002 से, सुदर्शन जी ने जब स्थापना करी और इसकी जवाबदारी माननीय इंद्रज कुमार जी ने निभाई है मार्गदर्शन के रूप में, पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में जा जाकर वो राजदूत के साथ मिलकर बुद्धिजीवी मुसलमान के साथ मिलकर इफ्तार की पार्टी कर रहे, भाईचारे का संदेश दे रहे और अमन और शांति का संदेश दे रहे। तो मैंने पिछले बार राजीव जी लोहिया को बुला के मुसलमान क्षेत्र में जामा मस्जिद के सामने में वहाँ पर इफ्तार पार्टी किया था। तो इस बार हमारे मुस्लिम मंच ने तय करा कि हम इफ्तार पार्टी मुख्य कार्यालय संघ बिल्डिंग में करना चाहते हैं। तो मैंने ये भावना को लेके, अपने विचार को लेके अपने परिवार में बातचीत करा राजीव जी लोहिया विराग जी पाठपुर के जरिए कि मैं वहाँ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ अभ्यास वर्ग चालू है और आप नेक्स्ट टाइम दिख रहे। तो बोले ईद मिलन का कार्यक्रम कर लेंगे। मैंने ठीक है वो कर लो। तो ये मेरी बातचीत हुई है। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि हमने हमारी पहल तो करा है मुस्लिम राष्ट्र मंच ने कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था आरएसएस की सबसे बड़ी संस्था राष्ट्रीय स्वयं संघ के मुख्य कार्यालय में हमने पहल करी कि वहां पर इफ्तार पार्टी होना चाहिए। अब वहां नहीं की गई है तो कुछ लोगों में नाराजगी आई है। ये नाराजगी दूर होना चाहिए, दुनिया में मैसेज जाना चाहिए, एक अच्छा संदेश जाना चाहिए भाईचारे का और अमन और शांति का। इसलिए अभी आप क्या करेंगे, क्या जो नहीं होंगे इस साल इफ्तार पार्टी? इस बार शायद उनके तरफ से मैसेज नहीं आया मुझे, मैंने मगर राजीव जी लोहिया और विराग जी को पूछा था, उन्होंने मुझे मना कर दिया था इस बार नहीं, मतलब नेक्स्ट टाइम करेंगे, मगर इस बार इंशाल्लाह उनके माध्यम से, क्योंकि मेरी परिवार की है और मैं ईद मिलन का कार्यक्रम करने वाला हूँ। Audio Jungle.